हाय स्टूडेंट्स, मैंने खेल रमन राजपाल, राजपाल सरल एकेडमी के तरफ से इस न्यू वीडियो में क्लबिंग ऑफ इनकम के कुछ और प्रोविजंस कवर करने जा रहा हूं। तो वो प्रोविजंस क्या हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ इनकम क्लबिंग प्रोविजंस के अंडर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है माइनर चाइल्ड्स इनकम। ये एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट पार्ट है। बहुत सारे एग्जाम्स में माइनर चाइल्ड के इनकम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं माइनर चाइल्ड के इनकम के लिए क्लबिंग के प्रोविजंस क्या कहते हैं। क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम सेक्शन 64(1)(a) देखते हैं प्रोविजंस। ऑल इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज ग्रेटर। एग्जेम्पशन ऑफ अप टू ₹1,500 पर चाइल्ड इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 1032। माइनर की कोई भी इनकम होगी तो वो उसके पेरेंट के इनकम में क्लब हो जाएगी। अब कौन से पेरेंट के इनकम में क्लब होगी? वो उस पेरेंट के इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम माइनर की इनकम क्लब करने से पहले हायर होगी। पर हर चाइल्ड के पीछे आपको ₹1,500 का एग्जेम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 1032। पर इस प्रोविजन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क और स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस विल नॉट बी क्लब्ड। अगर माइनर कोई ऐसी इनकम अर्न कर रहा है जो उसे मैनुअल वर्क या उसके किसी स्किल टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस से मिल रही है, तो वो उस पेरेंट के इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। क्लबिंग प्रोविजंस उस केस में अप्लाई नहीं होंगे। और भी एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी मेंशन अंडर सेक्शन 80U विल नॉट बी क्लब्ड। सर, जो माइनर चाइल्ड सेक्शन 80U में स्पेसिफाई किए हुए किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और कोई इनकम अर्न कर रहा है, तो वो इनकम क्लब नहीं की जाएगी। उस इनकम के लिए भी क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 1032 में जो 1500 की एग्जेम्पशन दी जा रही है, उसके अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन की लिमिट नहीं है। जितने चिल्ड्रन की इनकम क्लब की जाएगी पर चाइल्ड 1500 और द इनकम क्लब्ड ऑफ दैट चाइल्ड व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। अब सर उसमें एक सिचुएशन आता है, व्हेन द मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट बिटवीन द पेरेंट्स। इन केस मैरिटल रिलेशनशिप डज नॉट सब्सिस्ट एट द टाइम ऑफ अक्रूअल ऑफ इनकम टू द माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड with the income of that parent who maintains the minor child during the previous year. इसमें नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अगर मैरिटल स्टेटस एग्जिस्टेंस में नहीं है, मैरिटल स्टेटस खत्म हो गया है, तो जो पेरेंट उस चाइल्ड को प्रीवियस ईयर में मेंटेन करेगा, माइनर चाइल्ड का इनकम भी उसी पेरेंट के साथ क्लब किया जाएगा। आइए तो इस एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में वो बोल रहा है, मिस्टर ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रन, 2 ट्विन डॉटर्स एंड 1 सन। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर्स इज ₹2,000 पर एनम ईच एंड दैट ऑफ सन इज ₹1,200 पर एनम। कंप्यूट द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। माइनर चिल्ड्रन का सर हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके, क्लबिंग कैसे होगा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी अभी देखते हैं। टैक्सेबल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इज ट्विन माइनर डॉटर्स ₹2,000 × 2 इज 4,000 लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। आपको 1500 पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पर इसकी ट्विन डॉटर्स हैं, इसीलिए 1500 × 2 3,000 का डिडक्शन लिया है। माइनर सन का इनकम है ₹1,200 पर एनम विच इज बिलो द एग्जेम्प्शन लिमिट ऑफ ₹1,500। Hence, the whole income of ₹1,200 is exempt under section 1032. आपको ये exemption n number of children के लिए allowed है, number of children का कोई restriction नहीं है section 1032 के exemption के लिए। Last जो category clubbing के provisions के अंदर आ रहा है वो है income of son's wife। देखते हैं clubbing के provisions इस category के लिए क्या कहते हैं। Income of son's wife, डॉटर इन लॉ का जो भी इनकम होगा वो भी क्लब किया जाएगा अगर वो दिए गए दो सिचुएशंस के अंडर किसी सिचुएशन में काउंट हो रहा है तो। पहला सिचुएशन आपको दिया हुआ है, इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। अगर डॉटर इन लॉ को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन के कोई भी एसेट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस एसेट में से डॉटर इन लॉ को जो भी इनकम जनरेट होगा वो ट्रांसफरर पेरेंट के टोटल इनकम में क्लब किया जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन आपको दिया हुआ है, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन
or AOP from assets transferred without adequate consideration for the benefit of son's wife. अगर जो transferor है वो एसेट डॉटर इन लॉ को डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर करके किसी एओपी या थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, वो एओपी या थर्ड पर्सन डॉटर इन लॉ को बेनिफिट दे रहा है, तो वो जो बेनिफिट होगा, जो इनकम होगी, वो ट्रांसफरर पेरेंट के टोटल इनकम में क्लब किया जाएगा। अभी जो एक्सप्लेनेशन का एनालिसिस हम लोगों ने किया उसका एग्जाम्पल ये रहा। Mrs. Kasturi transferred her immovable property in ABC Company Limited subject to a condition that out of the rental income, a sum of Rs. 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife. Mrs. Kasturi claims that the amount of Rs. 36,000 utilized by her son's wife should not be included in her total income as she no longer owned the property. Examine with reasons whether contention of Mrs. Kasturi is valid in law. Sir, this is a case of transfer of asset to an entity for the indirect benefit to be given to son's wife. Mrs. Kasturi ने अपनी एक प्रॉपर्टी ABC Company Limited को ट्रांसफर की है और ट्रांसफर की एक कंडीशन है कि उस प्रॉपर्टी में से आने वाली रेंट में से 36,000 उनके डॉटर इन लॉ के बेनिफिट के लिए यूज होनी चाहिए। और मिसेस कस्तूरी का यह भी कहना है कि वो जो 36,000 है वो उनके डॉटर इन लॉ के टोटल इनकम में ही काउंट होना चाहिए और ना कि मिसेस कस्तूरी के इनकम के साथ क्लब होना चाहिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। द क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64(1)(8) आर अट्रैक्टेड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन टू एनी पर्सन टू द एक्सटेंट टू विच द इनकम फ्रॉम सच एसेट इज फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर इंडिविजुअल। देयरफॉर इनकम ऑफ रुपीज 36,000 मेंट फॉर बेनिफिट ऑफ डॉटर in law is chargeable to tax in the hands of transferor, that is Mrs. Kasturi. In this case the contention of Mrs. Kasturi is hence not valid in law. Clubbing ke under ek dusri important point hai, wo hai cross transfers. Cross transfers ka ye point professional courses ke exams mein bahut baar pucha jata hai, ye examiners ka favorite point hai. Cross transfer ka matlab hota hai ek transferor अपने माइनर चाइल्ड को अपने स्पाउस को गिफ्ट देने के बजाय दूसरे किसी के स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर देता है और वो दूसरा पर्सन अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को गिफ्ट करने की बजाय पहले ट्रांसफरर के स्पाउस या माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए अपने ब्रदर मिस्टर बी के वाइफ को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं और उनका ब्रदर मिस्टर बी मिस्टर ए के माइनर चाइल्ड को गिफ्ट दे रहा है और वो ट्रांसफर आपस में इतने कनेक्टेड हैं या उनका टाइमिंग उनका अमाउंट उनकी सिचुएशन ऐसी कनेक्टेड है कि एक ट्रांसफर दूसरे ट्रांसफर के लिए कंसीडरेशन फॉर्म कर लेता है। आइए तो इस इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्रॉस ट्रांसफर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, बहुत बार प्रोफेशनल एग्जाम्स ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या दिया हुआ है इस इलस्ट्रेशन में, मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज 6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ ऑन 14th June 2018। ऑन 12th July 2018 हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज 5 लाख टू मिस्टर वासुदेवन वाइफ। सर दोनों भाइयों ने एक दूसरे के वाइफ को गिफ्ट दी है। सर अपने अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करने की जगह उन लोगों ने एक दूसरे के वाइफ को पैसे गिफ्ट दिए हैं। सर दिस इज अ केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स बाय मिसेस वासुदेवन एंड वाइफ ऑफ मिस्टर वासुदेवन्स ब्रदर ऑन 1st August 2018 एट 9% इंटरेस्ट। दोनों ने वो पैसे बैंक में जाके FD में इन्वेस्ट कर दिए हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल रहा है वो है 9% पर एनम। एग्जामाइन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वासुदेवन एंड हिज ब्रदर। जैसे कि मैंने बोला दिस इज द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, तो आइए देखते हैं क्रॉस ट्रांसफर के केस में क्लबिंग प्रोविजन कैसे अप्लाई किए जाते हैं। इन द गिवन केस मिस्टर वासुदेवन gifted a sum of rupees 6 lakh to his brother's wife on 14th June 2018 and simultaneously his brother gifted a sum of rupees 5 lakh to Mr. Vasudevan's wife on 12th July 2018. The gifted amounts were invested in fixed deposits in banks by Mrs. Vasudevan and his brother's wife. These transfers are in the nature of
cross transfers. Accordingly, the income from the assets transferred would be assessed in the hands of deemed transferor because the transfers are so intimately connected to form part of a single transaction and each transfer constitutes consideration for the other by being mutual or otherwise. If two transactions are interconnected and are part of same transaction in such a way that it can be said that circuitous method was adopted as a device to evade tax, the implication of clubbing provision would be attracted. It was so held by Apex Court in CIT versus Keshavji Morarji 1967-66 ITR 142. Accordingly, the interest income arising to Mrs. Vasudevan in the form of interest on fixed deposits would be included in the total income of Mr. Vasudevan. Ye bahut hi important point hai. Gift usse Mr. Vasudevan ke brother ne diya tha, but wo jo interest hai jo Mrs. Vasudevan ko interest mil raha hai, wo uske husband Mr. Vasudevan ke income mein club ho jayega. Mr. Vasudevan will be treated as deemed transferor and interest income arising in the hands of his brother's wife, that is Mr. Vasudevan's brother's wife, would be taxable in the hands of Mr. Vasudevan's brother. Mr. Vasudevan ke brother ke wife ko Mr. Vasudevan ne gift diya tha, but us FD pe jo interest mil raha hai wo Mr. Vasudevan ke brother ke total income mein club kiya jayega. Mr. Vasudevan ka jo brother hoga, he'll be treated as deemed transferor as per section 64 subsection 1 to the extent of amount cross transfer, that is rupees 5 lakh. Sir, gift ke amount mein difference tha. Mr. Vasudevan ne jo amount diya tha wo 6 lakh tha. Mr. Vasudevan ke brother ne jo cross transfer kiya tha wo 5 lakh tha. To hum log jo clubbing provision apply karenge wo income on rupees 5 lakh ke liye hi apply karenge. This is because both Mr. Vasudevan and his brother are indirect transferor of income to their respective spouses. Maine pehle hi clear kar diya tha ki wo log apne apne wife ko gift dene ke bajaye ek dusre ke wife ko gift de rahe hain. This is an indirect transfer with an intention to reduce their burden of taxation. However, the interest income earned by his spouse on fixed deposit of rupees 5 lakh alone would be included in the hands of Mr. Vasudevan's brother and not the interest income on the entire fixed deposit of rupees 6 lakh since the cross transfer is only to the extent of rupees 5 lakh. Sir, jo extra 1 lakh Mr. Vasudevan ne gift kiya hai apne brother ke wife ko, us 1 lakh ka jo interest hai, wo Mr. Vasudevan ke brother ke wife ke income mein hi काउंट किया जाएगा, वो क्लब नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट है, अगर आप चाहते हो कि हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन कीजिए, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो ने आपके डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व किए हो, आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।